अंतरिक्ष हमारी कल्पनाओं से भी ज्यादा रहस्यमयी है। इसमें कोई शक नहीं, अंतरिक्ष बहुत बेरहम भी है। फिर भी एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स इन खतरों से हर समय लड़ते रहते हैं। इस बेरहम अंतरिक्ष ने बहुत से अंतरिक्ष यात्रियों की जान भी ली है और कुछ यात्री बस किसी बड़े हादसे का शिकार होते होते भी बचे हैं। यहाँ थोड़े दुख की बात ये भी है, उन लोगों ने अपनी जान सिर्फ हम लोगों के लिए दी, पर हम नहीं जानते आज तक कितने लोग अंतरिक्ष में मर चुके हैं। अभी हमने भी एक पोस्ट में यही पूछा था, लेकिन अफसोस किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। आज नॉलेज गंगा के इस वीडियो में हम जानेंगे आज तक इस बेरहम अंतरिक्ष ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों की जान ली है और वे कब और कैसे हादसों का शिकार हुए हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीते लगभग 50 सालों में 30 से भी ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स की मृत्यु स्पेस मिशंस और ट्रेनिंग के दौरान हो चुकी है। ये आंकड़े सुनकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर हुई होगी। आपको बता दें, ये उन अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु का आंकड़ा जिनकी मौत अर्थ के ही एटमॉस्फेयर में हुई है। ये हादसे कार्मन लाइन के नीचे हुई है। कार्मन लाइन एक्सेप्टेबल स्पेस लाइन को कहते हैं। ये पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में होती है। आज तक स्पेस में 550 से भी ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स जा चुके हैं, लेकिन आज तक सिर्फ 3 अंतरिक्ष यात्री ही अंतरिक्ष में किसी बड़े हादसे का शिकार हुए हैं। जानते हैं कुछ शुरुआती बड़े हादसों के बारे में। कोल्ड वॉर के दौरान शुरुआती अंतरिक्ष की दौड़ में नासा और यूएसएसआर दोनों में घातक जेट दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई थी। एक ऐसा ही मिशन था अपोलो 1। अपोलो 1 मानव इतिहास का पहला मिशन होने वाला था जो किसी इंसान को मून तक ले जाता। इस मिशन से अमेरिका सोवियत संघ से स्पेस रेस में आगे निकल जाता। फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब चंद्रमा की यात्रा के लिए एस्ट्रोनॉट्स गस ग्रिसम, एड वाइट और रॉजर शैफी अपोलो 1 यान में दाखिल हुए, लेकिन ये नहीं जानते थे कि आने वाले मिनट इनके लिए कितने खतरनाक होने वाले हैं। इनके अंदर जाने के बाद रिवर्स काउंटिंग शुरू हो गई। यान की गैसेस को निकालकर 100% प्योर ऑक्सीजन डाली गई। वो बाद में उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की मौत की वजह बनी। ऑक्सीजन का दबाव बहुत ज्यादा हो गया था। कुछ ही देर में एस्ट्रोनॉट्स का एक तेज चीख के साथ नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया। उन एस्ट्रोनॉट्स के अंतिम शब्द थे, कॉकपिट में आग लगी है। उस यान में सबसे बड़ी कमी उसका गेट था जो अंदर की तरफ खुलता था, लेकिन जब यान में ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर की तरफ ज्यादा हो गया तो वे एस्ट्रोनॉट्स उसे खोल नहीं पाए। टीवी के मॉनिटर में व्हाइट को यान का दरवाजा खोलते हुए भी देखा गया, लेकिन प्रेशर की वजह से वो सफल नहीं हो सके। ऑक्सीजन की वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई। इस आग को सब कुछ खत्म करने में सिर्फ 29 सेकंड ही लगे। वो आग इतनी खतरनाक थी कि व्हाइट और ग्रिसम के सूट पिघलकर एक दूसरे में मिल गए थे। इससे ही आप हादसे की भयानकता का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, दूसरी घटना है द सोयुज डिजास्टर। 19 अप्रैल 1971 में USSR यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने पहला स्पेस स्टेशन सल्यूट 1 लॉन्च किया था, जिसे सफलतापूर्वक अर्थ के ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। कुछ ही दिनों बाद 3 सोवियत एस्ट्रोनॉट्स को सोयुज 10 यान के साथ सल्यूट 1 स्पेस स्टेशन में भेजा गया, जो अगले 4 हफ्तों तक अंतरिक्ष में न्यू रिसर्चेस करते वे सफलतापूर्वक स्पेस स्टेशन तक पहुंच गए। लेकिन घर वापसी के समय एस्ट्रोनॉट्स के एयर सप्लाई सिस्टम में टॉक्सिक केमिकल्स लीक हो गए थे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने उस पर नियंत्रण पा लिया और सुरक्षित घर लौट आए। लेकिन 6 जून को भेजे गए सोयुज 11 के एस्ट्रोनॉट्स इतने लकी नहीं थे। ये मिशन सोयुज 10 के कुछ ही महीनों बाद हुआ था। इस मिशन में 3 कॉस्मोनॉट्स शामिल थे, जॉर्जी डेब्लोवोल्स्की, व्लादिस्लाव वोल्कोव और विक्टर पात्सायेव। क्रू बहुत सी उम्मीदों के साथ स्पेस में पहुंचा, जैसा कि मिशन का प्लान था। एक महीने स्पेस में रहने के बाद वे अर्थ लौट रहे थे। वे सेफली अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुए और उन्होंने सफलतापूर्वक कजाकिस्तान में लैंड किया। उस समय स्पेस में जाना कोई आम बात नहीं थी। स्पेस में जाकर आना बहुत खास था, इसलिए हर तरफ उत्साह का माहौल था। लेकिन जब कैप्सूल खोला गया तो कॉस्मोनॉट्स को मरा पाया गया।
एस्ट्रोनॉट्स के चेहरे पर डार्क ब्लू पैचेस थे और उनके कानों और आंखों से खून निकल रहा था। जिस समय मॉड्यूल को खोला गया तो उस समय तक जॉर्जी डब्रोवोल्स की सांसें ले रहे थे। डॉक्टर्स ने उन्हें कृत्रिम ऑक्सीजन भी लगाई लेकिन उन्हें भी नहीं बचाया जा सका। सेफ लैंडिंग के बावजूद भी वे तीनों कॉस्मोनॉट्स कैसे मरे? आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा? इस घटना ने दुनिया भर के अंतरिक्ष में रुचि रखने वालों को हिला कर रख दिया था। बाद में की गई जांचों से सोवियत संघ ने बताया उन तीनों कॉस्मोनॉट्स की मृत्यु दम घुटने से हुई है। शायद उनके ऑक्सीजन सिस्टम्स में कोई खामी हुई होगी। स्पेस कितना बेरहम है हम आप नहीं जानते, लेकिन आज भी हमारे कॉस्मोनॉट्स ऐसी बहुत सी समस्याओं के बीच घिरे हुए हैं। एक मामूली सी भी गलती उनके लिए बहुत बड़े परेशानी का सबब बन सकती है। लेकिन जो लोग मानवता के लिए जीते हैं वे ऐसी विपत्तियों का सामना हिम्मत से कर गुजरते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वे भी सोवियत संघ के ही एक कॉस्मोनॉट थे जिनका नाम था एलेक्सी लियोनोव। जो कॉस्मोनॉट स्पेस स्टेशन में रहते हैं उन लोगों को बहुत से कामों के लिए जो मशीनें नहीं कर पाती स्पेस स्टेशन से बाहर आना ही पड़ता है। वे भी ऐसे ही काम के लिए स्टेशन से बाहर निकले थे और वे स्पेस वॉक करने वाले पहले इंसान बने और दुर्भाग्य से वे आज हमारे बीच नहीं है। 85 की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, आज भी सभी कॉस्मोनॉट्स उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। उस समय कोई भी कॉस्मोनॉट स्पेस में स्टेशन से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकता था। वे पहले थे जिन्होंने ये करके दिखाया। उनका नाम आज भी बहुत सी फेमस साईफाई मूवीज में सुनने को मिल ही जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आपने उनका नाम किस मूवी में सुना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें अगले वीडियो के लिए कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नॉलेज गंगा के अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और दूसरों की मदद करें।